मोदी जी फिर मेरा नौकरी जाने का टाइम हो जाएगा। एक घंटा बचा है मुझे नौकरी पर जाने के लिए, एक घंटे में एक कोई अच्छा सा किस्सा सुना दो। इसीलिए मैं घर से नौकरी जाने के लिए एक घंटा पहले निकलता हूँ, क्योंकि एक घंटा आपके पास बैठना होता है, वक्त बिताना होता है। अरे राहुल, अब किससे भी तो खत्म हो गए सुनाते सुनाते। पूरे 2 साल से तुम रोज मेरे पास सुबह आकर बैठ जाती हो और गाँव के पुराने किस्से कहानी सुनती हो। अरे मोदी जी एक बात बताओ, राहुल ही तुम्हारे किस्से कहानी क्या सुनता है? हम भी तो तुम्हारे किस्से कहानियों के इंतजार में बैठे रहते हैं। यही तो अपने गांव की खुशहाली है, सब मिलजुल के रहते हैं और बड़ा प्यार से एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। चलो एक बहुत पुराना मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ, एक बार की बात है। अरे मोदी जी, आपकी कहानी में एक बार की बात क्यों होती है, दो बार की बात क्यों नहीं होती? सारा का सारा किस्सा सुनाने का मजा खराब कर दिया। मुझे तो बहुत अजीब सी खुशबू आ रही है, पता नहीं किसने क्या कर दिया। अब कोई खुद तो बताएगा नहीं। मुझे लगता है मोदी जी फिर से किसी ने गैस निकाल दी और आप जिसको खुशबू कह रहे हैं वो खुशबू नहीं बदबू आ रही है। कहीं राहुल ये गैस तुम्ही ने तो नहीं निकालती? निकालते तो सारे लोग गैस है लेकिन बताता कोई नहीं। अरे मोदी जी मुझे ऐसा लगता है ये गैस केजरीवाल ने निकाल दी। अरे हल्के हल्के क्या बोल रहे हो नीतीश कुमार जी, मेरा नाम ले रहे हो, आप भी तो हो सकती हैं। ज्यादा लोगों के साथ इकट्ठा बैठने में यही दिक्कत होती है, कोई कबूलता ही नहीं है कि किसने गैस निकाली। अरे मोदी जी मैं और लालू जी तो दूर करें, हमें तो किसी तरीके की खुशबू या बदबू नहीं आ रही है। गलत कह रहे हो तुम अखिलेश, मुझे हल्की हल्की आ रही है। मुझे लगता है मोदी जी जितनी खुशहाली अपने गाँव में है उतनी खुशहाली किसी गाँव में नहीं है। यहाँ पर सारे लोग मिलजुल के रहते हैं जैसे अपना लोग, भले थोड़ी बहुत हंसी मजाक हो जाए लेकिन कोई किसी का बुरा नहीं मानता। ये बात तो है लालू जी, कोई किसी का बुरा नहीं मानता। अब बुरा मानने से एक बात याद आई, एक बार तुमने नकली प्लास्टिक का सांप अखिलेश के पास रख दिया था, अखिलेश ने असली सांप समझ के एकदम भाग लगा दी थी। वो तुम्हारी मजाक का बिल्कुल भी बुरा नहीं माना था। वो बात तो छोड़ो लालू जी, मैं अभी तक इसी सोच में हूँ आखिर अपना सब लोगों में से किसने गैस निकाली, यानी कि किसने पाता। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे अखिलेश सही से उठाओ मोटरसाइकिल को, जल्दी से स्पार कर दो मोटरसाइकिल को डिवाइडर के स्पार इस वाले रोड पर, इधर बहुत जाम है, 2 घंटे से मैं फंसा हुआ हूँ इस जाम में, जल्दी उठाओ। तुम सही तरीके से मोटरसाइकिल को उठा ही नहीं पा रहे हो। अरे मोदी जी मैं मोटरसाइकिल को नहीं उठा पा रहा हूँ, मोटरसाइकिल फंस गई डिवाइडर में। ये रोड के बीच में जो डिवाइडर है, दीवार है, इसमें फंस गई मोटरसाइकिल। ना इधर हो रही है मोटरसाइकिल ना उधर हो रही है, मैं क्या करूं? आपको भी पता नहीं कितनी आफत है, थोड़ी देर में जाम हट ही जाता। अरे अखिलेश 2 घंटे से खड़ा हुआ हूँ, कैसे हट जाता जाम, अभी तक तो हटा नहीं है। अरे मोदी जी जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल डिवाइडर के उस पार कर लो, फंसी हुई है निकालो उसे, आपके बाद मैं भी अपनी मोटरसाइकिल उस पार करूंगा। क्या पता कब तक यहाँ पर फंसे रहे, कोई पता नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं मोदी जी, उधर रॉन्ग साइड है, अपनी साइड तो यही है, उस रोड के साइड में जाना अलाउ नहीं है, कहीं कोई आना जाए। लो राहुल तुमने अभी कहा कि कोई आना जाए, योगी इंस्पेक्टर जी आ गए, अब पता नहीं क्या होगा। अरे मोदी जी ये क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, अपनी मोटरसाइकिल को रॉन्ग साइड में ला रहे हो इधर को? अरे रोड के इस पार क्यों ला रहे हो ये बताओ मुझे। असल में योगी जी मुझे कहीं इमरजेंसी जाना है, नहीं तो मैं ऐसा काम नहीं करता, बहुत जल्दी पहुंचना है मुझे वहां पर, इसीलिए मैं अपनी मोटरसाइकिल इस पार कर रहा हूं। मोटरसाइकिल को इस पार कर लेने दीजिए मुझे। देखो मोदी जी जल्दी हो देर हो मुझे कोई मतलब नहीं, अगर तुम इस साइड में अपनी मोटरसाइकिल लाए तो मैं चालान काट दूंगा। अरे ये बताओ योगी इंस्पेक्टर जी, ये इतनी भारी जाम लगी है, जाम से बचने के लिए तो हम कुछ ना कुछ करेंगे ही, या फिर इस जाम को हटवाओ। जाम क्यों नहीं हटवा रहे हो? मैं भी सोच रहा था मोदी जी अपनी मोटरसाइकिल उस पार कर ले, उसके बाद राहुल उस पार कर लेगा, फिर मैं अपनी मोटरसाइकिल उस पार कर लूंगा। अरे लालू जी जाम कोई हमारे हाथ में थोड़ी है, कुछ लोग उल्टी सीधी मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं, उसी की वजह से जाम लग जाता है। अब इसका यह मतलब थोड़ी है कि आप डिवाइडर को पार करके रोड के इस पार आ जाओ उस पार से कूद के, ऐसे तो सब लोग ऐसी करने लगेंगे तो इस पार भी जाम लग जाएगी, इस पार भी ट्रैफिक इकट्ठा हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो योगी सर जी, इनकी मोटरसाइकिल इस पार मत करने दो, ऐसे तो ये अपनी मोटरसाइकिल इस पार कर ले रहे हैं और मैं अपनी कार को कैसे उस पार करूं ये बताओ। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।